हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का लर्निंगो यूट्यूब चैनल के अंदर। इंग्लिश वोकेबलरी विद पिक्चर्स, ये है आपका डे थ्री। आज हम तीसरा दिन कवर करेंगे और तीसरे दिन में हम पांच वर्ड्स कवर करेंगे इंग्लिश के, बहुत ही गहराई से कवर करेंगे ताकि आपको केवल यह वीडियो 10 मिनट तक देखने के बाद अच्छे से ये वर्ड्स याद हो जाए। एग्जाम्पल्स भी दूंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे और यहाँ पर शब्दों को मैं केवल इसी वीडियो के अंदर याद करवा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और हमारी ये सीरीज चलती है डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी जो डेली सीरीज आती है वो आप इवनिंग की इवनिंग देख पाए। तो शाम को एक वीडियो मिल जाएगा 6 PM, तो 6 PM पर एवरीडे वीडियो मिलता था। ओके, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाओगे तो आपको वीडियो, आपका नोटिफिकेशन है उसमें पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले शब्द के साथ में, और ये हायर लेवल की वोकेबलरी है एडामेंट। इसके स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, एडामेंट है, इसको एडामेंट बोलते हैं। एडामेंट का मतलब क्या होता है? एडामेंट का हिंदी में मतलब होता है एक अड़ियल आदमी, जो जिद्दी आदमी होता है उसको बोलते हैं एडामेंट। इसके एक सिनोनिम और याद रख लीजिएगा, स्टबोर्न। स्टबोर्न का मतलब होता है STUBBORN, इसकी स्पेलिंग होगी है ना। स्टबोर्न का मतलब भी होता है एक जिद्दी, और यहाँ पर स्टबर्न का मतलब नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं और पॉजिटिव सेंस के अंदर भी यूज करते हैं। तो एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी। इसका देखिए वेरी श्योर, देखिए जिद्दी का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा श्योर हो जाए, एकदम जिद ठान ले। अब इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, ये एक गधा है, ये एक एस है, ये जो गधा है ये चल नहीं रहा, लेकिन इसका जो मालिक है वो बड़ा जिद्दी है। ये कह रहा है कि नहीं, तू कैसे नहीं चलेगा, मैं तेरे को खींच के लेकर चलूंगा, मैं भी तो देखूं कि कैसे नहीं चलता है तू। तो ये क्या हो गया, ये एक जिद्दी हो गया, जिद्दी हो गया, और गधा बेचारा परेशान हो रहा है। गधे के देखो यहाँ पे पैर खींच रहे हैं, गधा चलने को तैयार नहीं है और इसका मालिक इसको जबरदस्ती खींच रहा है, तो ये एक जिद्दी हो गया। तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंस के अंदर है। पॉजिटिव सेंस के अंदर क्या है, मैं किसी गोल को अचीव करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं, मेरा गोल है बिजनेसमैन बनना, बिजनेस के फील्ड के अंदर आगे बढ़ना, सक्सेसफुल बनना। तो मैं बिजनेस के फील्ड के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, तो ये मेरा एक पॉजिटिव सेंस के अंदर है, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो ये एडामेंट हूं मैं अपने आप में, मुझे ये कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस का सेंस में ये एडामेंट को पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आगे बात करेंगे अश्वाज की। अश्वाज का मतलब होता है अपने आप को शांत करना। देखिए कोई नेगेटिव चीज हो गई आपके साथ में, आपके साथ में कुछ बुरा हो गया, उस बुरा होने के बाद में जब आप अपने आप को थोड़ा सा उसका दुख को हल्का करोगे तो उस चीज को बोलते हैं अश्वाज। तो देखिए एक एग्जांपल देख के बताता हूं। देखिए मान लीजिए किसी के फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो गई, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन था, बहुत ही लविंग बीइंग था, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद में घर में नेगेटिव सा माहौल हो जाता है, और उसी नेगेटिव माहौल से ऊपर उठने के लिए आप अश्वेज करते हो अपने आप को, अपने आप को तैयार करते हो, अपने आप को उस दुख से उभारने के लिए जब आप तैयार करते हो तो उस चीज को बोलते हैं अश्वेज। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने आप को किसी जो अनप्लीजेंट फीलिंग्स होती है, अनप्लीजेंट फीलिंग्स को जो दुख होता है उसको थोड़ा सा कम करना, इसका सेंस होता है। ओके, तो अश्वेज का मतलब होता है जो दुख की भावना है, अपने दुख को कम करना, अपने ही नहीं किसी और के दुख को भी अश्वेज कर सकते हैं आप। तो अगर आप किसी फ्रेंड के दुख को कम कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं मैं अपने फ्रेंड का जो पेन है, जो अनप्लीजेंट फीलिंग्स है, उनको अश्वेज कर रहा हूं। तो अश्वेज कर रहे हैं आप, जब भी आप किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं तो आप अश्वेज करते हैं। ठीक है, ये कवर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोवर्ट। कोवर्ट स्पेशली यूज होता है ऑपरेशंस के लिए, आर्मी के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए, या फिर जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा कोई भी ऑपरेशन होता है उनको बोलते हैं कोवर्ट ऑपरेशन। तो जो भी सीक्रेटली कोई चीज डन होती है, सीक्रेटली किसी चीज को कंप्लीट करते हैं तो उसको कोवर्ट बोलते हैं। आप सीक्रेटली कुछ और भी कर सकते हैं तो उसके सेंस में भी कोवर्ट को यूज कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो कोवर्ट को जैसे अभी मान लीजिए आपने कोई एग्जाम क्लियर करना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है लेकिन आपने दुनिया के अंदर चर्चा ही नहीं करी कि भैया मैं इस एग्जाम की चर्चा कर तैयारी कर रहा हूं या एग्जाम मुझे क्रैक करना है, और आप 5-6 महीने बाद में उस एग्जाम को क्रैक करके निकल जाते हो, तो वो आपने क्या किया, वो आपने एक कोवर्ट ऑपरेशन किया अपने आप में, वो आपने एक सीक्रेट ऑपरेशन था अपना।
तो जैसे ही आप अपने आप को तैयार करो किसी भी एग्जाम के लिए, तो कोवर्ट ऑपरेशन की तरह करो भैया। आगे यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। यह है एक तस्वीर, इस तस्वीर के अंदर इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी का जो एक ऑपरेशन हुआ था कोई भी, उसके बाद में ये इंडियन आर्मी की तस्वीर। तो इंडियन आर्मी ने एक कोवर्ट, एक स्टील्थली, एक सीक्रेट ऑपरेशन था, उसको फतेह किया है, उसको पूरा किया है। तो ये एक कोवर्ट ऑपरेशन था। आगे बात कर लेते हैं टैसिटर्न का। टैसिटर्न मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं। टैसिटर्न का मतलब होता है जो लेस टॉक करता है, जो कम से कम बोलता है, बिल्कुल ना के बराबर बोलता है, उसको टैसिटर्न बोलते हैं। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं, ये है मनमोहन सिंह और ये है एक मैम। तो ये कुछ बोल रही है, यू आर, इन्होंने बोला यू आर क्यूट, तो इन्होंने बोला यू आर म्यूट। तो ये एक टैसिटर्न है। तो मनमोहन सिंह जी एक अपने आप में कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो इनको आप टैसिटर्न बोल सकते हैं। देखिए, कम बोलने वाले का कोई मजाक उड़ाना नहीं है। कम बोलने वाला व्यक्ति अपने आप में अपने जो शब्द हैं उन पर संयम रखता है, उस सेंस के अंदर टैसिटर्न होता है। टैसिटर्न का मतलब कोई नेगेटिव चीज नहीं होता है। तो टैसिटर्न यहाँ पर आप कम बोलने वाले व्यक्ति की ओर इंगित करते हैं, और ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कम बोलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, कम बोलने वाला व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होता है। देखिए, एक चीज को समझते हैं, एक एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है? बोलने में एनर्जी खर्च होती है कि नहीं होती है? तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो फालतू में अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेगा व्यर्थ की चीजों के बारे में बात करने के लिए। तो वो जो पॉजिटिव चीजें हैं या जो जिस चीज के लिए बोलना चाहिए उस चीज के लिए ही वो बोलता है। तो वो बुद्धिमान हुआ कि नहीं हुआ? वो भैया वहां पर बोल रहा है जहां पर उसकी जरूरत है। तो टैसिटर्न का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो जहां पर जिस चीज की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, तो वहां पर बोले। ऐसे नहीं कि आलतू फालतू बड़बोला, उसको बड़बोला बोलता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो बड़बोलों की तरह नहीं होता ये। टैसिटर्न जहां पर जरूरत होती है वहीं पर बोलता है। टैसिटर्न का नेगेटिव अर्थ मत समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कंडोन। कंडोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडोन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग। देखिए, किसी अहिंसा आपने देखा होगा, अहिंसा आपको पता है अहिंसा करना रॉन्ग है। तो अहिंसा यहाँ पर आपको पता है अहिंसा नहीं, अहिंसा जो जैन धर्म के अंदर भी बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो जो अहिंसा है उसके कुछ यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये बच्चा है। अब इस बच्चे को, इस बच्चे का जो मालिक है इससे जबरदस्ती काम करवाता है, तो ये इसके साथ एक अनप्लीजेंट सी चीज कर रहा है, एक गलत चीज कर रहा है। तो उस चीज के साथ में किसी को माफ कर देना, भाई ज्यादातर लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन अब इसको गलत मानते हुए भी इसका थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस के अंदर लेके इसको माफ कर देना, भैया चल कोई बात नहीं, तेरे से गलती हो गई, अब दोबारा मत करना। तो ऐसे इस चीज को, किसी व्यक्ति को कुछ गलत करने के बाद में भी थोड़ा सा माफ कर देना। हालांकि बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं है, बहुत सारे लोग इस चीज को अभी भी गलत मानते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना जो क्षमादान है वो दिखाया और आपने उनको क्षमा किया। तो कंडोन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर कुछ गलती नजर आ रही हो फिर भी आप क्षमा कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंडोन। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई नेवर कंडोन वायोलेंस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर। मैं जो हिंसा है, वायोलेंस है, उसको कंडोन नहीं करूंगा। उस हिंसा को मैं, जो भी हिंसा होती है उसको मैं माफ नहीं करूंगा। हिंसा के मैं विरुद्ध हूं, चाहे स्थितियां कैसी भी हो, मैं हिंसा के विरुद्ध हूं। तो अहिंसा परमो धर्मा, ये जैन धर्म का एक स्लोगन है। आगे बात करते हैं कुछ और वर्ड्स की। तो यहां पर पांच वर्ड्स हमने कवर किए, एक बार पुनः इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। एडामेंट का मतलब क्या होता है? एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी व्यक्ति। इसके अलावा अश्वेज, अश्वेज का मतलब होता है अपने आप को दुख से उबारना या किसी और को दुख से उबारने की जो स्थिति होती है उसको अश्वेज बोलते हैं। अपने आप को या किसी और को अनप्लीजेंट फीलिंग से निकालना, ओके, उसको कम करना। अनप्लीजेंट फीलिंग होती है उसका जो दुख होता है, उस दुख को कम करना, उसको बोलते हैं अश्वेज। आगे बात करते हैं कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज सीक्रेटली डन होती है, कोई भी चीज सीक्रेटली होती है उसको बोलते हैं कोवर्ट। कोई भी आप काम करो तो वो भी आप सीक्रेटली किया है वो काम, तो वो भी आपको अपने आप में एक कोवर्ट ऑपरेशन है, तो कोवर्ट है, उसको बोलते हैं। आगे बोलते हैं टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कम बोले थोड़ा। आगे बात कर लेते हैं
कंडोन की, कंडोन का मतलब होता है किसी को उसकी गलतियों के लिए क्षमा कर देना, हालांकि उसकी गलती है वास्तव में लेकिन आपने अपना क्षमा दान दिखाया, तो कंडोन का मतलब होता है किसी को क्षमा करना, सहनशील बनना, आप जो सहनशीलता होती है आपकी उसके हिसाब से आप उसको कंडोन कर देते हैं। आगे बात कर लेते हैं यहां पर पांच शब्दों की, तो पांच शब्द हो चुके हैं आज के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक करना, और लाइक जब भी आप करते हो तो उत्साह बढ़ जाता है मेरा, तो इस वीडियो का एम रखते हैं 50 लाइक्स, 50 लाइक्स का एम है हमारा, तो यार पूरा कर दो, बहुत ज्यादा नहीं है 50 लाइक्स, 50 लाइक्स का एम है हमारा, तो लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा यार। और बाकी करते हैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप मुझसे पर्सनल चैट्स करना चाहते हैं तो लर्निंगो360 यूजर नेम है मेरा इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लीजिएगा और मैसेज करिएगा। इवनिंग में 9 PM to 10 PM मैं यहाँ पर ऑनलाइन रहता हूँ, तो जाकर फॉलो कीजिएगा मुझे और मैसेज करिएगा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो, क्योंकि जो कमेंट्स हैं उनका तो मैं शायद देख नहीं पाता, तो लर्निंगो360 है इसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ, तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब नहीं, यूट्यूब के हिसाब से मैंने बोल दिया कि सब्सक्राइब कीजिए, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, थैंक यू। और वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, थैंक यू थैंक यू।